बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जन्नतियों को जन्नत के अंदर मौत आएगी, और क्या अगर मौत नहीं आएगी तो क्या जन्नतियों को जन्नत के अंदर नींद आएगी, यानी वो जिस तरह दुनिया में सोते हैं क्या उसी तरह जन्नत में भी सोया करेंगे और आराम लिया करेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के अंदर इस अच्छी मालूमात को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना और लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल अल्लादीन को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना वीडियोस लाते रहते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं क्या जन्नतियों को जन्नत के अंदर मौत आएगी। दोस्तों जन्नतियों को कभी मौत न आएगी, जैसा कि सूरह दुखान में है, तर्जुमा है कंजुल ईमान, इससे पहली मौत के सिवा फिर मौत न चखेंगे। दोस्तों दूसरा सवाल, क्या जन्नत में नींद होगी। हजरत सैयदना जाबिर रदल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, क्या अहले जन्नत सोया करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नींद मौत की जिंस से है और जन्नतियों को मौत नहीं आएगी। दोस्तों इसका मतलब यह है कि इंसान जो जन्नत में जाएगा उसको जन्नत में नींद भी नहीं आएगी। दोस्तों क्या ये नेमतें जन्नतियों के पास हमेशा रहेंगी। जन्नतियों को ये नेमतें हमेशा के लिए दी जाएंगी, जैसा कि सूरह तौबा में है, तर्जुमा कंजुल ईमान, उनका रब उन्हें खुशी सुनाता है अपनी रहमत और अपनी रजा की, और उन बागों की जिनमें उन्हें दाइमी नेमत है, हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे, बेशक अल्लाह के पास बड़ा सवाब है। दोस्तों हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, ए जन्नत वालों, तुम तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार ना होगे, तुम जिंदा रहोगे, कभी ना मरोगे, तुम जवान रहोगे, कभी बूढ़े ना होंगे, तुम आराम से रहोगे, कभी मेहनत व मशक्कत न उठाओगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों यह हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ और दूसरी किताबों के अंदर लिखी हुई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि हदीस शरीफ को सुनकर आगे पहुँचाने वाले का चेहरा रोशन होता है। दोस्तों हमारे चैनल अल्लादीन को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं।